खबर फरुखाबाद से है। लोकसभा चुनाव से पहले थाना नवाबगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष आमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने झारखंड के अफीम तस्कर को 90 लाख रुपए के अफीम के साथ गिरफ्तार किया। रविवार को फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में एएसपी डॉक्टर संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी विपिन कुमार महतो झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले का निवासी है। एएसपी ने बताया कि आरोपी एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का सदस्य है। मंझना चौराहा से आरोपी एटा के लिए जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से थाना नवाबगंज पुलिस ने कुल 4 किलो अफीम बरामद की है। आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर काम किया जा रहा है। फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में एएसपी डॉक्टर संजय सिंह ने खुलासा किया। आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। कल मंझना चौराहे पे एक अभियुक्त जो कि 4 किलो अफीम लेके जा रहा था एटा के लिए, उसको गिरफ्तार किया गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू 90 लाख रुपये है। ये अभियुक्त झारखंड का रहने वाला है और ये गिरोह है जो कि अंतर्राज्यीय है। इस पर अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। इस अभियुक्त से जो माल बरामद किया गया है उसको निमानुसार जब्त किया गया है। अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।